अंतरिक्ष क्षेत्र में दिनों दिन नई ऊंचाई छू रहा भारत। वर्ष 2022 में स्वदेशी तकनीक से भारतीय वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना पर काम कर रहा है। 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने गगनयान अभियान के तहत 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। भारत के इस महत्वाकांक्षी अभियान में रूस और फ्रांस भी मदद करेंगे। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकोसमोस भारत के कुल 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष अभियान के लिए प्रशिक्षित करेगी। इन 4 में से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान अभियान के तहत चांद पर भेजा जाएगा। इसके साथ ही फ्रांस भी भारत को गगनयान अभियान के लिए मदद मुहैया कराएगा। फ्रांस की ओर से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग भारत और फ्रांस में होगी। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकोसमोस की सहायक एजेंसी ग्लैब कॉस्मोस ने इसके लिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के साथ अनुबंध साइन किया है। इसके तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। रूस और भारत के बीच ये सहयोग राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रूस की यात्रा के बाद सामने आया है। NSA अजीत डोभाल ने पिछले दिनों मॉस्को में रॉसकोसमोस के डायरेक्टर जनरल दमित्री रोगोजिन से मुलाकात की थी। रॉसकोसमोस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गगनयान के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट का एयरोडायनेमिक्स टेस्ट, पायलट व्हीकल और क्रू रेस्क्यू सिस्टम पर भारत के साथ बातचीत हुई है। अगस्त 2019 के अंत तक इस अनुबंध के पूरा होने का अनुमान है। इस अनुबंध के तहत रूस की ओर से गगनयान अभियान में अंतरिक्ष यान की खिड़कियां, क्रू की सीटें और स्पेस सूट भी भारत को मुहैया कराया जाना है। बता दें कि PM मोदी ने 15 अगस्त 2018 को 10,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियान गगनयान की घोषणा की थी। इसके तहत 3 भारतीयों को स्वदेशी तकनीक के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाना है। ये अभियान 7 दिनों का होगा। इस अभियान की सफलता के बाद भारत रूस चीन और अमेरिका के बाद अंतरिक्ष में इंसान को भेजने वाला 4th देश हो जाएगा। बता दें कि भारत ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया है। इसके तहत इसरो 7 सितंबर को चांद की उस जगह पर शोध यान उतारेगा जहां आज तक कोई भी देश यान नहीं उतार पाया है। तो दोस्तों, आप गगनयान मिशन का कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जिसके तहत किसी भारतीय को पहले अंतरिक्ष में और फिर चंद्रमा पर भेजा जाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियों से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें।